गाइस, तो आज है डे 5 और सबसे पहले हम आपको विश करना चाहेंगे विश यू वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। लेकिन फेस्टिव सीजन है, लेकिन लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। और मैंने कहा था कि ये आपका क्या चल रहा है, 500 क्वेश्चन का एमसीक्यू चल रहा है। हर एक डे में हम कितने क्वेश्चन करेंगे, आपके 10 क्वेश्चन करेंगे और 50 डेज में ये क्या हो जाएगा, हमारा चैनल पूरा हो जाएगा। तो उसी का आज 5th डे है, बिना रुकावट के, बिना किसी चीज के आज फेस्टिव सीजन है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो इसके लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा है तो जरूर बनता है, राइट। तो वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, टेलर मेमोराइज ए मोनोलॉग टू प्रेजेंट ड्यूरिंग ए हाई स्कूल। कहाँ की बात कर रहा है कि जब उसने मोनोलॉग को प्रेजेंट करा था, कब, एक हाई स्कूल परफॉर्मेंस में। व्हेन ही ट्राइड टू शेयर द मोनोलॉग विथ हिज फ्रेंड फ्रॉम द लॉ स्कूल, जो कि लॉ स्कूल में है, ही कुड नॉट नो लैंगर रिमेंबर इट, व्हाट हैज लाइकली हैपन टू हिज मेमोरी ऑफ द मोनोलॉग। अब देखिए, उसने हाई स्कूल में याद करा था, उसके बाद वो कहां पर याद कर रहा है, उस मोनोलॉग को याद कर रहा है लॉ स्कूल में, राइट, आफ्टर a lot of time happened, right? It may possible कि time कितना भी हो सकता है, but time काफी ज्यादा क्या हो गया है, बीत गया है। तो what has likely been to happen to the memory? अगर उसकी memory को क्या हुआ होगा, memory क्या होगी होगी, forget हो गई होगी, forget यानी कि क्या होने लगी होगी, memory decay होने लगी होगी। Option number first, decay theory. Decay theory क्या कहती है, decay theory कहती है कि जैसे जैसे आपका time increase होता जाता है और अगर आप उस चीज को रिट्राइव या फिर रिवर्स या फिर रिहर्सल नहीं करते हो तो क्या होने लग जाती है, मेमोरी ब्रेक होने लग जाती है, राइट। तो अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो हाई स्कूल में था, उसके बाद उसने लॉ स्कूल में यानी कि ग्रेजुएट में उस कुछ चीज को तैयारी करी है, तो क्या हो गया, टाइम बहुत ज्यादा क्या हो गया है, बीत चुका है, तो वो चीज डेफिनेटली क्या हो जाएगी, फॉरगेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिके थ्योरी, राइट। ए वेरी स्मॉल रिटेंशन इंटरवल, ये हो नहीं सकता। एमनीशिया एक डिसऑर्डर होता है जो कि आपका क्या होता है कि जब आपका एमिग्डाला पर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, प्रोएक्टिव और रिट्रैक्टिव। लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जब न्यू ओल्ड के ऊपर लगाए तो ओल्ड है किसके ऊपर प्रेशर जा रहा है, ओल्ड के ऊपर, ओल्ड मीन्स रिट्रैक्टिव, और जब ओल्ड न्यू के ऊपर लगाए प्रेशराइज तो क्या होता है आपका, प्रोएक्टिव, राइट। तो दिस इज द फॉर्म, तो ये नहीं होगा आपका, एमनीशिया नहीं होगा, प्रोएक्टिव नहीं होगा, इंट्रूशन एरर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, स्मॉल वेरी टाइम भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। डिके थ्योरी स्टेट दैट मेरली द पैसेज ऑफ द टाइम लीड्स टू द लॉस ऑफ द मेमोरी, ए स्मॉल रिटेंशन इंटरवल वुड इंडिकेट दैट द टेलर अटेम्प्टेड टू रिकॉल द मेमोरी शॉर्टन आफ्टर द स्टोरिंग इट, राइट। क्या बता रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या था, और यहां पर हमने लिख रखा है स्मॉल रिटेंशन। स्मॉल रिटेंशन मतलब आपने उसे याद करा, उसके बाद छोटा गैप दिया और फिर दोबारा आपने उसे क्या करा, रिट्राइव करने की कोशिश करी, तो वो क्या होता है, वो आपको रिट्राइव हो जाएगा। प्रॉपर रिट्राइव नहीं होगा लेकिन रिट्राइव हो जाएगा। लेकिन जब हमने बात करी है कि उसमें क्या हुआ है, बहुत ज्यादा गैप आ गया हाई स्कूल से लॉ स्कूल में, तो क्या हुआ है, वो जो फॉरगेटिंग है, जो हम इसे आप फॉरगेटिंग कर्व भी, इसको इसे हम फॉरगेटिंग कर्व भी कहते हैं, राइट। तो इस चीज का भी आपको याद रखना है, ठीक है। In this case, he memorized it in his high school, but was recalling it during the law school, indicated a long passage of the time. The other answer are factor leading to the memory difficulty, but are not described in the question. Right? तो ये तो हो चुका है। Question number second हमने पहले आपसे कर दिया था, क्या कहा था कि short term memory is to as long term memory, ये तो कल ही कर रहा था। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए उस चीज को क्या होना चाहिए, उस चीज को अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल था कि आपके जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि उस चीज को समझो, वो वाई दे आर सेइंग कि समझो, बिकॉज जब आप उस चीज को समझ जाओगे तो किस में चली जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, उसके ऊपर अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका आपने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये हमने पिछली क्लास में भी करा था, तो उसमें से आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। थर्ड वो कह रहा है, द एबिलिटी टू राइड बाइक आफ्टर बीइंग टॉट इज एन एग्जांपल। क्या कर रहा है, वो बाइक को राइड कर रहा है। अगर मैं देखूं तो बाइक को राइड करना क्या है, उसका एक स्किल है, और स्किल किसके अंदर आता है आपका, प्रोसीजर मेमोरी के अंदर आता है, प्रोसीजर मेमोरी। कोई भी स्किल जो आप काम करते हो वो किसके अंदर आता है, आपकी प्रोसीजर मेमोरी के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी। इमोशनल मेमोरी क्या होती है भाई, जहां पर आपके इमोशंस स्टोर हो, और इमोशंस स्टोर कहां होते हैं आपका, कल हमने बताया था एमिग्डाला के अंदर रहता है। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी में क्या रहते हैं आपके, इवेंट्स रहते हैं,
पर्सनल इवेंट की अगर मैं बात करूंगा या फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, सिमेंटिक मेमोरी में आपके फैक्ट्स रहते हैं या फिर जिसे हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज। ओके, प्रोसीजर मेमोरी में स्किल्स रहते हैं जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर है। स्किल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि बाइक को राइड करना, ड्राइंग अच्छी करना, अच्छा पढ़ाना, दैट इज अनदर स्किल। वर्किंग मेमोरी इज ए टाइप ऑफ द एचटीएम, टाइप कह लीजिए या उसको सेम कह लीजिए या फिर उसका दूसरा नाम कह लीजिए, दैट इज एन एचटीएम, राइट। तो ये सारे मैंने यहां पर लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हमने क्या लिख रखा है, प्रोसीजर मेमोरी इज वन दैट इन्वॉल्व मोटर स्किल एंड हैबिट, राइडिंग ए बाइक इज ए मेमोराइज मोटर स्किल्स, ठीक है। वर्किंग मेमोरी इज अनदर टर्म फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, दूसरा नाम है उसका। वर्किंग मेमोरी को पांच नाम से बुलाया जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था, दैट इज क्रैप वर्क, दैट इज वर्किंग मेमोरी, प्रेजेंट मेमोरी, प्रेजेंट मेमोरी का नाम हट गया था, अब उसको क्या कहने लग गए हम, प्राइमरी मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और कॉन्शियस मेमोरी। ये चारों नाम है, ये आपको याद होने चाहिए, राइट। सो एपिसोडिक मेमोरी इन्वॉल्व मेमोरी ऑफ द स्पेसिफिक टाइम एंड द प्लेस, जो क्या मैंने बताया है, और इमोशनल मेमोरी इन्वॉल्व इमोशनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली, जो कि मैं आगे लिख सकता हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर क्यों देखते हैं, देखिए होली के दिन भी आप लोगों के लिए हम यहाँ पर वीडियो लाए हैं, उसके लिए लाइक बनता है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं देखता हूँ, मेरे पर नोटिफिकेशन आती है। जो अदर्स यूट्यूब चैनल है, आई डोंट नो वेदर वॉट दे आर डूइंग, उनके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा बढ़ जा रहे हैं विद इन ए पैसेज ऑफ द टाइम, बट जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इट मे पॉसिबल शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी वीडियो नहीं बन रही है कि आप लोग सब्सक्राइब ना करें। अगर मैंने देखा, जब मैंने उसमें देखा अपने YouTube कंटेंट के अंदर, तो 80% ऐसे लोग थे जो कि वीडियो देख के चले जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आप कुछ भी चेंज चाहते हैं तो हमें बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, ताकि एक बार हम भी मोटिवेशनल को हमें मिल सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अच्छी वीडियो हम बना के ला सके, राइट। तो इट्स ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल एंड किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बात करते हैं, क्या कह रहा है कि वैलरी लिसन टू द मोजार्ट व्हाइल स्टडीिंग फॉर द टेस्ट, विच इज द बेस्ट कंडीशनिंग फॉर द वैलरी टू टेक द टेस्ट। भाई वैलरी ने टेस्ट की तैयारी कब करी है, मोजार्ट को सुनते हुए, राइट। वैलरी लिसन टू मोजार्ट व्हाइल स्टडीइंग फॉर द टेस्ट, वैलरी ने तैयारी करी है किसकी, टेस्ट की, या फिर पढ़ा है टेस्ट के लिए, किसको सुनते हुए, मोजार्ट को सुनते हुए। तो कौन सी बेस्ट कंडीशन होगी, देखिए बेस्ट कंडीशन कब होगी, बेस्ट कंडीशन तभी रहेगी जब आपकी सेम स्टिमुली प्रेजेंट हो, उससे क्या होता है आपका सेम रिस्पॉन्स आएगा। जब आपकी सेम स्टिमुली प्रेजेंट रहेगी तो सेम ही रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो चुकी है, अगर मैं देखूंगा यहां पर हो चुकी है आपकी पेयरिंग फॉर पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक स्टिमुली के साथ। तो अगर यहां पर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, टेक द टेस्ट व्हाइल लिसनिंग टू द मोजार्ट इज द राइट आंसर, कंप्लीट साइलेंस। आप देखोगे क्या हो गया, जो स्टिमुली है वो चेंज हो गई है, लाइब्रेरी में भी आपकी स्टिमुली चेंज हो गई है, लिसन टू द क्लासिकल म्यूजिक, यहां पर म्यूजिक सेम है बट स्टिमुली फिर भी डिफर हो गई है, टेक द टेस्ट व्हाइल वॉचिंग द टेलीविजन। अगर आपको सेम रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो सेम स्टिमुली हमें यूज करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज रिकॉल इज इंप्रूव व्हेन इट इज डन इन द एनवायरमेंटल वेयर द मटेरियल वाज लर्न। अब देखिए पेयरिंग हो रखी है, ये भी यही कह रहे हैं क्या कि क्या कह रहा है कि जो एनवायरमेंट में आपने जो चीज सीखी है अगर वही रिक्रिएट होगा तो ही आपका बेस्ट स्टिमुली का रिस्पॉन्स रहेगा, राइट। द अदर चॉइसेस डू नॉट डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल वैलिडिटी क्रिएटेड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, सो इट इज अनलाइकली दे वुड बी हेल्पफुल इन रिकॉलिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी चीज को रिकॉल करवाना होता है, जैसे कि सपोज करिए कि इंसिडेंट कहाँ हुआ, विक्टिम है या फिर कल्प्रिट है, उसे चीजें भूल गया है, काफी पैसेज ऑफ टाइम बीत चुका है, तो व्हाट दे डिड वो वहीं पर ही उसी सेम प्लेस पे ले जाते हैं, या फिर एक तरीके का एम्बियंस क्रिएट करते हैं सो दैट सेम कंडीशन अप्लाई हो सके, और जो मेमरी जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ मेमरी हल्की सी भी इधर उधर हो गई है वो मेमरी क्या हो सके, रिकॉल करी जा सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रीइंस्टेटमेंट। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट रीइंस्टेटमेंट क्या रहता है कि जो लर्निंग आपने करी है, जो लर्निंग आपने करी है विद पर्टिकुलर स्टिमुली,
राइट। बट ये टू मिली क्या है, आपकी माइंड की लैंग्वेज में है, ना कि आपकी एम्बियंस। एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट की लैंग्वेज में नहीं है, ये किसकी लैंग्वेज में है, माइंड की लैंग्वेज में है, दैट इज कॉन्टेस्ट रीइंस्टेटमेंट। उसी चीज को वैसे ही क्रिएट करना, कहां पर, अपने माइंड में, एम्बियंस में नहीं। तो देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रीइंस्टेटमेंट इंक्रीजिंग मेमोरी रिट्राइवल बाय रिक्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट आ गया, राइट। तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्या इससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं। इंक्रीजिंग मेमोरी रिट्राइवल बाय रिक्रिएटिंग द स्टेट ऑफ द माइंड प्रेजेंट विद द मेमोरी अकर, ऑप्शन नंबर बी अच्छा है और ऑप्शन नंबर ए से। क्या इससे अच्छा और भी है, देखते हैं। मेमोरी इंक्रीजिंग मेमोरी रिट्राइवल बाय डिक्रीजिंग द रिट्रैक्टिव, बिल्कुल गलत है। इंक्रीजिंग मेमोरी बाय रिट्राइवल द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द रिहर्सल, नो, रिहर्सल का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, उससे आपकी कॉन्टेक्स्ट रीस्टेटमेंट नहीं हो जाएगी। इंक्रीजिंग मेमोरी रिट्राइवल बाय डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या रहता है, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट रीस्टेटमेंट, द्वारा बता देता हूं कि जिस स्टेट ऑफ माइंड में आपने पेयरिंग करी है विद पर्टिकुलर स्टिमुली, लर्निंग सीखी है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में, जिस पर्टिकुलर एम्बियंस में, जिस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी लर्निंग हुई है, उसी को वैसे ही क्रिएट करना इन द स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज द कॉन्टेक्स्ट रीस्टेटमेंट। ओके, देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कॉन्टेक्स्ट रीस्टेटमेंट रेफर टू द फिनोमेना दैट इंक्रीज द मेमोरी रिट्राइवल, मेमोरी को आप रिट्राइव कर सकते हो, मतलब मेमोरी को आप रिकॉल कर सकते हो, व्हेन द स्टेट ऑफ माइंड वेयर द लर्निंग प्रोसेस अकर इज रिक्रिएटेड, जहां पर वो लर्निंग हुई है उसी प्रोसेस को हमने क्या कर दिया है, रिक्रिएट कर दिया। स्टेट ऑफ माइंड कैन बी साइकोलॉजिकल, मूड बेस्ड और अदर स्टेट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट। रिक्रिएटिंग द एनवायरमेंटल वेयर द मेमोरी अकर इज अनदर वे ऑफ द इंक्रीजिंग मेमोरी। रिक्रिएटिंग एनवायरमेंट को क्रिएट करना एक और अलग आप कह सकते हैं क्या है, वे है टू इंक्रीज द मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए भी बहुत बार यूज करा जाता है, बट इफ वी आर सेइंग कॉन्टेक्स्ट रीस्टेटमेंट में तो हमारा क्या रहता है, वहां पर मैटर करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बहुत ज्यादा क्लोज था। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपकी मजेदार वीडियो को बनाते रहेंगे और मैं वादा करता हूं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका जून का, नहीं तो दिसंबर का था पेपर, नेट प्लस JRF दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहां पर हम निकलवा के ही रहेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द फॉरगेटिंग। भाई फॉरगेटिंग हो रही है लेकिन उसने क्या कर दिया, नॉट जोड़ दिया, यानी कि फॉरगेटिंग ना हो। भाई रिट्राइवल क्यू के साथ तो क्या होती है, फॉरगेटिंग नहीं होनी है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आप बार बार रिट्राइवल क्यू करते रहोगे तो ये रिड्यूस फॉरगेटिंग कर देगा, ये रिड्यूस फॉरगेटिंग है, ये नेगेटिव, ये यानी कि पॉजिटिव चाहिए। इन स्टेटमेंट में कभी भी नॉट आया है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। रिड्यूस फॉरगेटिंग में फॉरगेटिंग रिड्यूस ना हो, राइट, नॉट ए स्ट्रेटेजी। तो अगर देखो कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये भी आपकी क्या रहती है, यूजिंग रिट्राइवल क्यू में हेल्पफुल रहती है। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन द इन्फॉर्मेशन एंड अदर थिंग, ये भी हेल्पफुल रहती है। रिमेन फोकस रहना डेफिनेटली आपकी फॉरगेटिंग को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। यूजिंग इमेजरी या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो मेंटल इमेजेस, राइट, ये भी आपकी फॉरगेटिंग को रिड्यूस कर देता है। यूजिंग हिप्नोसिस, इसका कोई लॉजिक रोल नहीं है क्या रिड्यूसिंग फॉरगेटिंग में, यानी कि इसका कोई लॉजिकल रोल नहीं है, ई इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, राइट। अगर आप ऊपर के चार ऑप्शन देखोगे तो आराम से ये आपकी फॉरगेटिंग को रिड्यूस करते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है कि कौन सा ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि फॉरगेटिंग को रिड्यूस करने में यहाँ पर एबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। हिप्नोसिस इज नॉट ए वे टू इम्प्रूव मेमोरी, द अदर चॉइसेस डू डिस्क्राइब नो वेज टू इंक्रीज द पैसेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू द लॉन्ग टर्म, कि हमारी मेमोरी कहाँ से कहाँ, आपकी शॉर्ट टर्म से इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ चली जाए, लॉन्ग टर्म में, एंड द रिकॉल ऑफ द इन्फॉर्मेशन लेटर, और उससे हम क्या कर सके, रिकॉल कर सके। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं जी, आइए। विच मेमोरी आर हिडन फ्रॉम द कॉन्शियस एंड मे समटाइम बी क्रिएटेड व्हेन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ए ट्रॉमा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चार्ट बना देता हूँ और ये चार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये है आपकी मेमोरी, ऑफकोर्स ह्यूमन मेमोरी। अब देखिए मेमोरी के तीन पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है आपका सेंसरी मेमोरी, जिसकी आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद होती है आपकी STM, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। मेन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके, LTM से। तो तीन पार्ट होते हैं मेमोरी के, ह्यूमन मेमोरी की मैं अगर बात करूं, सेंसरी मेमोरी, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड LTM। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी,
एक्सप्लिसिट, और दूसरा होता है आपका इम्प्लिसिट मेमोरी। अब देखिए जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है ये हमारी होती है कॉन्शियस माइंड के ऊपर, जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है वो हमारी होती है कॉन्शियस माइंड के लिए, और जो इम्प्लिसिट होती है ये आती है आपकी अनकॉन्शियस माइंड के लिए, राइट। जो सारी चीजें अनकॉन्शियसली माइंड हो रही है दैट इज रिलेटेड टू द इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट को ही हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, दूसरा इसका नाम है क्या, डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव। और इम्प्लिसिट का ही उसको आप फर्दर देखोगे तो उसका जो दूसरा नाम है वो किसके अंदर आता है आपका, प्रोसीजरल मेमोरी। अब प्रोसीजर मेमोरी में क्या रहता है, आपके सारे स्किल्स रहते हैं, और डेक्लेरेटिव मेमोरी आपके क्या रहते हैं, फैक्ट्स रहते हैं प्लस इवेंट्स रहते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन से, एपिसोडिक जिसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा है सिमेंटिक, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं सिमेंटिक की, यानी कि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, फैक्ट्स की, ये वाला फैक्ट्स आ गया। अगर यहां पर फैक्ट्स आ गया तो डेफिनेटली एपिसोडिक में क्या आएगा, इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपकी शादी कब हुई है, आपका बर्थडे कब है, राइट, मेरे 18वें बर्थडे पे मैंने क्या करा, दैट इज योर एक्सपीरियंस। फैक्ट्स हो गए आपके, यहाँ पर क्या आ जाएगी, और जी क्या आ जाएगी, दैट इज जनरल नॉलेज, राइट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब फाइट करा, फॉट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड कब लड़ा गया, राइट, ये सारी चीजें। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच मेमोरीज आर हिडन हिडन फ्रॉम द कॉन्शियस, कॉन्शियस मेमोरी से, कॉन्शियस कहा हमने कॉन्शियस लिखा है, ये रहा कॉन्शियस, कॉन्शियस से कौन सी मेमोरी हिडन रहती है, दैट इज अनकॉन्शियस मेमोरी हिडन रहेगी। यहां पर वो बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है यहां पर ट्रॉमा की। तो देखिए ट्रॉमा में आपका हमेशा क्या आएगा, रिप्रेस मेमोरी। रिप्रेस मेमोरी क्यों आएगा कि देखिए रिप्रेस मेमोरी और ट्रॉमा में क्या फर्क रहता है, लेकिन ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये अभी नहीं तो फर्दर आपको आपको आगे काम आएगा। रिप्रेस मेमोरी क्या रहती है, रिप्रेस मेमोरी वो मेमोरीज रहती है जो हमारे साथ कोई भी चीजें रही होती हैं, लेकिन वो हमारे किस कहां पर रहते हैं, वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, बट दे आर टू मच सीवियर, वो उनकी जो इंटेंसिटी होती है इतनी ज्यादा होती है कि इंडिविजुअल को बॉडी में इतनी ज्यादा स्ट्रेस, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, तो अनकॉन्शियस माइंड उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अनकॉन्शियस माइंड उन्हें क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और पीछे की बैक साइड की तरफ उसे क्या कर देता है, पुश कर देता है, ताकि हम कॉन्शियसली उन बातों से अवेयर ना रहें, राइट। दिस इज अ रिप्रेस मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी आपको मैंने बताया था क्या है, इवेंट्स के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए, तो उसके अंदर कोई ट्रॉमा, यहां पर ट्रॉमा नहीं आएगा, राइट। सिमेंटिक मेमोरी मैंने आपको बताया था फैक्ट्स के लिए, यहां पर कोई फैक्ट्स वाली बात नहीं है। प्रोसीजर मेमोरी मैंने आपको बता रखा है पहले ही किसके लिए है, आपके स्किल्स के लिए, तो यहां पर ये तीन ऑप्शन तो वैसे कट जाते हैं। ए और ई में आपका क्या रहता है, ए और ई में आपका आंसर छुपा था। फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या रहती है, फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या रहती है कि फ्लैश बल्ब मेमोरी आपकी रहती है वो विविड मेमोरी जो जिससे कि आप इमोशनली सिग्निफिकेंट इवेंट के, किसी भी इमोशनली इवेंट से आप अगर जुड़े हुए हो, दैट इज ए फ्लैश बल्ब मेमोरी। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉमा, दैट इज अवर रिप्रेस मेमोरी, जो कि क्या हो रखी है, रिप्रेस, यानी कि हमारे माइंड ने उसे क्या कर रखा है, उसे दबा रखा है। तो ई इज द राइट आंसर। रिप्रेस मेमोरी आर बिलीव टू बी क्रिएटेड एज ए डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द डिफिकल्ट मेमोरी ऑफ द ट्रॉमा, राइट। क्या रहता है कि आदमी के अंदर इतनी ज्यादा एंजाइटी ना हो जाए, इतनी ज्यादा प्रेशराइज ना हो जाए, इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा स्ट्रेस ना हो, तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड उस चीज को क्या करने लग जाता है, रिप्रेस कर देता है। देर हैव बीन कॉन्ट्रोवर्शियल केसेज रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ द रिप्रेस मेमोरी। रिगार्डलेस दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द मेमोरी। द अदर चॉइसेज आर एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड देर आर नॉट आउटसाइड ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो कि हम बात कर चुके हैं। यहां पर आइए, व्हेन ईमा रिकॉल्स द हरिकेन She experienced as a child. She has a vivid image. देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है? Different different image है. Vivid image of what happened and immediately become anxious. क्या हो कि बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी. अब देखिए यहाँ पर अगर trauma होता तो उसका unconscious mind में क्या करता? Work करता. लेकिन यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है कि उसको उसने जो experience करा है as a child की उसकी उसके पास क्या है? बहुत ही differ image है. और बहुत ही जल्दी जब वो उसको याद कर रही है तो क्या होने लगी है, वो एंशियस होने लगी है। फ्लैश बल्ब मेमोरी, व्हाट टाइप ऑफ द मेमोरी इज एमा लाइकली एक्सपीरियंस, दैट इज फ्लैश बल्ब मेमोरी। ओके, अभी हमने पिछली बात करी थी, अगर इसके अंदर आपका रिप्रेस मेमोरी होता
तो रिप्रेस मेमोरी और फिर फ्लैशबल्ब मेमोरी में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है वो, इसके अंदर अगर आप देखोगे प्रोसीजर स्किल्स के लिए होता है, एपिसोडिक आपका नहीं है, सिमेंटिक और रिप्रेस मेमोरी। देखिए ये रिप्रेस मेमोरी भी है यहाँ पर, राइट। रिप्रेस मेमोरी यहाँ पर क्यों नहीं है और फ्लैशबल्ब मेमोरी क्यों है, रिप्रेस मेमोरी का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, जो मेमोरीज काफी ज्यादा सीवियर है, फ्लैशबल्ब मेमोरी इतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती। अगर मैं बात करूं तो समहाउ फ्लैशबल्ब की जो इंटेंसिटी होती है रिप्रेस मेमोरी से वो काफी ज्यादा कम होती है। ओके तो फ्लैशबल्ब मेमोरी यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। ए फ्लैशबल्ब मेमोरी इज टिपिकली एसोसिएट विद ए लार्ज ड्रामेटिक इवेंट एंड कैन कॉज एन इमोशनल रिस्पॉन्स। इन दिस केस ईमा मेमोरी ऑफ द हुरिकेन इज ए फ्लैशबल्ब मेमोरी, द अदर मेमोरीज आर नॉट डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की चलते हैं। विच टाइप ऑफ द मेमोरी नॉट कॉन्शियसली रिकॉल बट इज रिवील थ्रू एन इंडिविजुअल बिहेवियर और रेस्पॉन्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि कॉन्शियसली रिकॉल नहीं होती है, तो अगर हम पीछे जाके देखेंगे कौन सी मेमोरी आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी जो होती है वो आपकी अनकॉन्शियस होती है। क्या है यहाँ पर इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट मेमोरी। बाकी ये सारी क्या है अगर आप देखोगे ये सब किसके अंदर है, ये आपकी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर आती है। इम्प्लिसिट एक ऐसी मेमोरी है, इम्प्लिसिट कह लीजिए या फिर आप क्या कह लीजिए प्रोसीजरल मेमोरी, ये आपकी क्या होती है, ये अनकॉन्शियसली मेमोरी के अंदर आपकी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आपको डायग्राम बना रखा है, आप उसके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, कोई भी सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल अप्रोच कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, ऑल वे ऑफ द कम्युनिकेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच मेमोरी स्ट्रेटेजी इंक्लूड लिंकिंग न्यू मेमोरी टू द ओल्ड मेमोरी, नई मेमोरी को पुरानी मेमोरी से लिंकिंग करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी होती है। देखिए रोट लर्निंग तो सिर्फ क्या रहता है कि हमने आपको बताया, आपने कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है ना उसको पीछे से ना ही आगे से, सिर्फ जो बताया है उसको आपने क्या कर लिया, मगअप कर लिया। सेम मेंटेनेंस रिहर्सल को भी हमने कल ही आपको बताया था, मेंटेनेंस रिहर्सल रोट लर्निंग का ही एक दूसरा पार्ट है। बोथ आर ए एंड बी आर द सेम, तो ये आपको ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपसे ऑप्शन नहीं होगा। लिंक करनी है हमें न्यू मेमोरी टू द ओल्ड मेमोरी। निमोनिक्स क्या होता है कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए रहता है कि एलटीएम में मेमोरी की कैपेसिटी या फिर मेमोरी को रिकॉल करने के लिए आपके लिए रहता है। नॉन ऑफ द वर्ब नहीं है। इलैबोरेट रिहर्सल इज द राइट आंसर। इलैबोरेट रिहर्सल क्या रहता है कि लिंकिंग न्यू मेमोरीज टू द ओल्ड मेमोरी सो दैट दे कैन सर्कुलेट विद अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, वो हमारे माइंड में बहुत देर तक रह सके, दैट इज इलैबोरेट रिहर्सल। क्या कह रहा है, इलैबोरेट रिहर्सल इज एसोसिएटेड विद लिंकिंग न्यू मेमोरी टू द स्टोर्ड मेमोरी टू इंक्रीज द टाइम द न्यू मेमोरी स्टोर इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। तो ये था आज की वीडियो, और देखिए होली पे आपके लिए वीडियो लाए हैं तो सब्सक्राइब बनता है आई नो। तो इस वीडियो में इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, विश यू वेरी हैप्पी होली वंस अगेन टू यू एंड योर फैमिली, एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप गदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, दिस इज कैफिन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।